नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका महालक्ष्मी मैया की कथा में। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहें। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें, प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन यानी क्वार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगीं। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव यानी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नरनारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केशर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केशर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा
ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया, फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी की यह स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको सच में पसंद आ रहे हैं। और दूसरों के साथ वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो महालक्ष्मी मैया की, जय हो ऐरावत हाथी की।